हे गाइस, वेलकम बैक टू दी पीसीआरटी टेक्निकल ज्ञान चैनल। मैं सपना पांडे, आपकी एजुकेटर। आज आपके लिए थोड़ा हर सेशन से हट के एक नई टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि इस बार आपके पेपर पर्सपेक्टिव से ना होकर के आपके सेल्फ डिपेंड होने के पर्सपेक्टिव से है। गाइस, तो जी हाँ गाइस, तो हम इस पर कंसंट्रेट करेंगे कि ये कौन सा वीडियो है जो आपको सेल्फ डिपेंड बनाएगा अगर आप चाहें तो। तो ये है IIBF से रिलेटेड, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। जी हाँ गाइस, तो ये है BC से रिलेटेड। जैसा कि आप क्या करते हैं, एक BC ओपन कर लेते हैं, बैंक मित्र बन जाते हैं और पैसों का आदान प्रदान करने में बैंक की हेल्प करते हैं, तो ये उसी से रिलेटेड होने वाला है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में, इसके अबाउट और ज्यादा पढ़ेंगे हम, इसकी और नॉलेज लेंगे, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कैसे आप एक बैंक मित्र बन सकते हैं, आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो आपके सामने आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है गाइज IIBF। जी हाँ गाइज, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। जी हाँ गाइज, तो हम इसको पहले पढ़ेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है एंड इसका मोटो क्या है। तो हमारे सामने है भारतीय बैंक एवं वित्त संस्थान, जिसको कहते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, जिसको शॉर्ट में कहते हैं IIBF, भारत की एक पंजीकृत कंपनी है जो बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में शिक्षा देती है। यह विश्व में अपने तरह की सबसे बड़ी संस्था है। जी हाँ गाइज, ये पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट कंपनी है, जो कि क्या करती है, बैंकिंग से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1928 में, जिसके अध्यक्ष हैं अश्विनी कुमार, जिसका मतलब जो प्लेस है, कहाँ प्लेस्ड है, ये पश्चिमी कुर्ला मुंबई भारत में, और इसका उपनाम क्या है, IIBF। तो ये था गाइस इसका मतलब थोड़ा परिचय कि IIBF क्या है, इसका पंजीकृत मतलब कब हुआ, इसके अध्यक्ष कौन है, या इसका स्थान कहाँ, ये कहाँ प्लेस है। तो चलते हैं हम आगे की ओर कि IIBF में हम कैसे रजिस्ट्रेशन करें किसी भी यूजर का, या खुद को कैसे रजिस्टर्ड करें, एंड हम कैसे एक बैंक मित्र बन सकते हैं थ्रू IIBF। तो चलते हैं गाइस नेक्स्ट स्लाइड की ओर, रुक करते हैं। तो हमारे स्क्रीन पर आपको जैसा कि दिख रहा है, अगर आप एक CSP यानी कि कस्टमर सर्विस पॉइंट लेना चाहते हैं, तो किसी भी बैंक का आपको IIBF BC का एग्जाम देना होगा, यह अनिवार्य कर दिया गया है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, IIBF का एग्जाम कहां से देंगे, रजिस्ट्रेशन कहां से करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, या कितना पैसा आपको इसको पे करना पड़ता है, तो ये सारी बातें जानेंगे गाइस। ये जो IIBF एग्जाम है, ये आपको क्वालिफाई करता है BC के लिए। BC आपने सुना होगा कि जो बैंक मित्र होते हैं तो उनको क्या करते हैं, हम आज के जमाने में BC वैसे ही खुद मतलब नहीं ले सकते, जब तक हम IIBF का सर्टिफिकेट हमारे पास ना हो तब तक हम BC ओपन नहीं कर सकते, BC नहीं चला सकते। तो ये हम पढ़ेंगे IIBF एग्जाम देना क्यों जरूरी है। तो देखेंगे, यदि आप CSP यानी कि कस्टमर सर्विस पॉइंट कहीं से भी लेना चाहें, तो आप डायरेक्ट बैंक से या फिर किसी भी कंपनी से ले लें, फिर आप CSC से ले और कोई भी बैंक का लेंगे, आपको IIBF का एग्जाम देना जरूरी है। अगर आपके पास IIBF का सर्टिफिकेट है, तो आप कस्टमर सर्विस पॉइंट आप अपने घर में खोल सकते हैं और महीने के कम से कम 30,000 से 40,000 कमा सकते हैं। जी हाँ गाइज, अगर आपने IIBF का एग्जाम क्लियर किया, देन आप BC ओपन करने के लायक हो जाएंगे, क्योंकि जैसे हमें कोई भी फॉर्म ग्रेजुएशन के बाद में फिल करना होता है, लाइक बैंक का हो गया, UPSC क्रैक करना है, कुछ भी करना है लाइक पेपर से रिलेटेड, तो उसके लिए हमें 10th या 12th या ग्रेजुएशन मांगता है। उसी प्रकार जब हम BC के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो भी एक सर्टिफिकेट मांगता है कि क्या आपके पास प्राथमिकता है, क्या आप प्रमाणित हैं, या आपके पास नॉलेज है BC ओपन करने की। तो ये वही सर्टिफिकेट होता है जिसकी मदद से आप BC ओपन कर सकते हैं और महीनों के कमा सकते हैं 30,000 से 40,000। तो गाइज, मैंने कहा था आपसे कि ये वीडियो आपके लिए स्पेशली है सेल्फ डिपेंड के पर्पस से। तो गाइज, अब अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी व्यूअर्स नए हैं उनके लिए तो खास कर ये संदेश है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो आगे चलते हैं, बने रहिए वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक, आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इसमें मैंडेटरी है और कैसे हम इसको फिल करेंगे। तो गाइज, आपके सामने जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, IIBF एग्जाम रजिस्ट्रेशन में डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, तो देखेंगे अपनी स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको IIBF के ऑफिशियल साइट में जाना है, वहां आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जिसका डायरेक्ट लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। जी हाँ गाइज, इसका IIBF का हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे, जिसको एक्सेस करके आप डायरेक्ट पेज पर पहुंचकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और गाइज, अगर आप
आपको प्रॉब्लम होगी, आप खुद से फिल नहीं कर सकते, तो बताइए, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर कमेंट करिएगा, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका लाइव दिखा देंगे, इसको दिखा देंगे कैसे फिल करते हैं, उसको देख के आप फिल कर लीजिएगा। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। पहली पॉइंट है, आधार नंबर होना जरूरी है। जी हाँ गाइज, आप तो जानते हैं आजकल के समय में बिना आधार नंबर के कोई भी काम होने वाला नहीं है, तो ये मैंडेटरी है, आपके पास आधार नंबर होना ही होना चाहिए। सेकेंड है, पैन कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट से भी काम चला सकते हैं। मतलब कहने का ये है गाइस कि आधार नंबर तो मैंडेटरी, उसके लिए आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन होने वाला नहीं है, पर अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, पैन कार्ड की जगह अपना ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट यूज कर सकते हैं। तीसरी पॉइंट क्या है गाइस आपके सामने, पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना पड़ेगा। चौथी पॉइंट है, अपना सिग्नेचर भी अपलोड करना पड़ेगा। जी हाँ गाइस, ये सारे इंस्ट्रक्शन को आपको अच्छे से फॉलो करना है। अगर जरा सा भी चूक इसमें हो गया आपसे तो आपका एडमिट कार्ड जो आएगा उसमें गलती होगी और आपको कोई अपडेशन मोड नहीं मिलेगा जिसे आप अपना फॉर्म करेक्शन करवा लें। तो चलिए आगे देखते हैं, अपना सिग्नेचर भी अपलोड करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, शैक्षिक योग्यता, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हो, कोई भी हो गाइस, चाहे आप ग्रेजुएट हो या अंडर ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट, उसकी मार्कशीट आपको अपलोड करानी होगी। पेमेंट फी आपका 800 है, जिसमें से GST अगर जुड़ जाता है तो 900 पेमेंट बन जाता है, जिसको आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। तो गाइस ये आपके सामने 6 पॉइंट है, अभी और कई सारे पॉइंट्स हमें देखने इससे रिलेटेड। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, हम देखेंगे कि कौन सा और मैंडेटरी है हमारे सामने। तो उतना ही आपको अपलोड करना था, अब हम इसमें देखेंगे कि प्रोसेस क्या होने वाला है जो आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। जी हाँ गाइस, इसको तो आपको और ध्यान से देखना है, वीडियो को 1% स्किप नहीं करना, क्योंकि एक भी पॉइंट अगर आप स्किप कर देंगे तो आपसे छूट जाएगा और आपको फॉर्म फिल करने में कठिनाई होगी, और अगर फॉर्म फिल नहीं कर पाए तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपको IIBF का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आप सेल्फ डिपेंड बनते बनते चूक जाएंगे। तो गाइस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, देखते हैं अपनी स्क्रीन की ओर। रजिस्ट्रेशन के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के ऑफिशियल साइट में विजिट करें, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम भरें, अगर मिडिल नेम नहीं है तो बॉक्स खाली रखें। जी हाँ गाइस, अगर आपके पास मिडिल नेम नहीं है, लाइक जैसे किसी का नाम होता है संजय कुमार गुप्ता, तो क्या करना है, जैसे तो किसी कोई कोई लिखता है संजय गुप्ता, तो अगर कुमार नहीं भी है तो आप फर्स्ट लिख दीजिए संजय, लास्ट लिख दीजिए गुप्ता, बीच का मिडिल नेम छोड़ दीजिए। और नेक्स्ट पॉइंट है, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 भरें। जी हाँ गाइज, ये भी एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम ये आपको फिल ही करना है। फिर आपको करना है डिस्ट्रिक्ट और सिटी, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और अपना सिटी सेलेक्ट करना है। आगे की ओर चलते हैं, कैसे होने वाला आगे का प्रोसेस, आपको स्टेट, अपना स्टेट जिस भी स्टेट के हैं लाइक UP, उसको फिल करना, अपना पिन कोड, जैसे आप तरबगंज के हैं, वजीरगंज के हैं, नवाबगंज के हैं, जिस भी प्लेस के हैं आप, उसका आपको पिन कोड भरना होगा। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें, ये डेट ऑफ बर्थ हो गया गाइज, अपना DOB आपको फिल करना है। जेंडर फीमेल ऑब्लिक मेल, अगर आप मेल हैं तो आप मेल पर टिक करेंगे, अगर आप फीमेल हैं तो आप फीमेल पर सेलेक्ट करेंगे। क्वालिफिकेशन, अगर आप ग्रेजुएट के अंडर में हैं, आपका ग्रेजुएशन चल रहा है, अगर आप ग्रेजुएट हैं, अगर PG भी आपका हो गया है, तो इसमें से जो भी आपका है वो वाली सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईमेल सही डालिए, क्योंकि एडमिट कार्ड ईमेल में भेजा जाएगा। जी हाँ गाइज, आपको जो ईमेल है आपका वो ऑथराइज होना चाहिए, आपके पास वो यूजेबल हो, मतलब ये नहीं कि बहुत पहले का डाल दे जो बंद हो चुका है, आपको ईमेल वही यूज करना है जिसका यूज कर रहे हो आप, ताकि उसका लिंक जैसे ही आपके एडमिट कार्ड का है आप तुरंत एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि अगर आप एडमिट कार्ड आपको नहीं मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है गाइस आपको पेपर नहीं देने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है मोबाइल, मोबाइल से, यहाँ मोबाइल से तात्पर्य ये है मोबाइल नंबर। जी हाँ गाइस, आपको मोबाइल नंबर भी एक्यूरेट फिल करना है, और जो भी इस प्रेजेंट टाइम में आप यूज कर रहे हो उसी मोबाइल नंबर का यूज करना है। नेक्स्ट है आपको आधार कार्ड नंबर लिखना है, उसमें डालना है, अपडेट करना है आधार कार्ड नंबर, अपलोड करना है। नेक्स्ट है अपलोड योर स्कैन फोटोग्राफ। जी हाँ गाइस, आपको अपना फोटो स्कैन करके उसको भी अपलोड करना है। अपलोड योर स्कैन सिग्नेचर, आपको अपने हस्ताक्षर को मतलब स्कैन करके अपलोड करना होगा। सेलेक्ट ID प्रूफ, अब ID प्रूफ में चाहे आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे पैन कार्ड हो या पासपोर्ट हो, इन तीनों में से कोई एक भी ID सेलेक्ट करके और क्या करना है आपको अपलोड कर देना। वहीं वहां कई सारे ऑप्शन होंगे कि आपको आधार कार्ड देना है, पैन कार्ड देना है, वोटर ID देनी है, क्या देना है, उस पर आपको सेलेक्ट करके और देन इसको अपलोड कर देना है।
फिर नेक्स्ट है गाइज एग्जाम लैंग्वेज सेलेक्ट करें। जी हाँ गाइज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप हिंदी लैंग्वेज में अच्छे से पेपर दे पा रहे हैं तो आप हिंदी लैंग्वेज को सेलेक्ट करेंगे, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को मतलब अच्छे से कर पा रहे हैं तो आप इंग्लिश लैंग्वेज को सेलेक्ट करेंगे। आप इसमें कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना गाइज, अगर आपको हिंदी इंग्लिश प्रॉपर इन दोनों लैंग्वेज किसी में भी नॉलेज हो देन आपको उस पर टिक कर देना है। नेक्स्ट पॉइंट है सेंटर नेम सेलेक्ट करें। जी हाँ गाइज, आपको सेंटर नेम सेलेक्ट करना है क्योंकि क्या होता है आप किसी सेंटर पर ही जाकर इसको इसका पेपर देंगे। आपका नजदीकी एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करें, ये और अच्छी बात है। आजकल के लॉकडाउन के समय में गाइज आप दूर कहां जा पाएंगे क्योंकि कोरोना का कहर इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो अपने नजदीकी ही सेंटर सेलेक्ट करें और क्या है अपना ये प्रॉपर डिटेल सबमिट करें। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे गाइज देख रहे हैं अब लास्ट ऑप्शन मतलब लास्ट प्रोसेस पे हम चले आए हैं। तो स्क्रीन पर देखिए अब डेट एंड टाइम सेलेक्ट करें, जिस किस दिन और किस टाइम में एग्जाम देना है। जी हाँ गाइज, ये इसमें सबसे अच्छा अपडेट है, सबसे अच्छी बात है कि आप वो सेलेक्ट करिए जिस टाइम में आपको फुर्सत हो या आपको कोई काम ना हो उस दिन सेलेक्ट कर लीजिए और टाइम उसी टाइम के अकॉर्डिंग आपको पेपर देना रहेगा। सेंटर कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। जी हाँ गाइज, इसमें ये चिंता करने की कोई बात नहीं, जैसे आप सेंटर को सेलेक्ट करेंगे वहां पे उसका कोड ऑटोमेटिक मतलब वो एक्सेप्ट कर लेगा। और फिर आई एक्सेप्ट पे क्लिक करें, वहां लास्ट में ऑप्शन होगा आई एक्सेप्ट, उस पर आपको क्लिक करना है। सिक्योरिटी कोड भरें, कैप्चर कोड डालें, एक बार सही से चेक करें और प्रीव्यू एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट में क्लिक करें और पेमेंट कंप्लीट करें। डन IIBF एग्जाम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। जी हाँ गाइज, अब लास्ट में क्या करना है आपको, आपने फॉर्म फिल कर दिया, आपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, लेकिन आपको यहाँ तुरंत सबमिट नहीं करना है, पहले आपको प्रीव्यू देख लेना है। मे बी आपका कहीं कुछ छूट गया हो, मे बी आपसे कहीं कोई गलती हो गई हो तो उसको सुधारा जा सके, फिर पेमेंट करके IIBF एग्जाम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट पर आपको क्लिक कर देना है। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपके ईमेल में एडमिट कार्ड मिलता है या फिर आप दोबारा लॉगिन करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ गाइज, आपने पेमेंट कंप्लीट कर लिया, आपके ईमेल पे एडमिट कार्ड आ गया, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए लॉगिन करके और अपने IIBF के एग्जाम के लिए तैयार हो जाइए देने के लिए। और जैसे ही अब आप IIBF का एग्जाम देते हैं 2 या 4 घंटे के बाद वो जनरेट हो जाता है एडमिट कार्ड या रिजल्ट जनरेट हो जाता है, जिससे आपको पता लग जाता है आप क्वालिफाइड हुए कि नहीं हुए। फिर आप अपने BC के लिए संपर्क कर सकते हैं, चाहे किसी बैंक से कर सकते हैं या किसी कंपनी से कर सकते हैं। तो ये था पूरा होल एनालिसिस इस टॉपिक का गाइज। अब अगर आपको पेपर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आंसर चाहिए, जैसे कि IIBF एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आंसर आते हैं, तो उसका भी वीडियो मैं बना दूंगी गाइज। और अगर आपको ये पूरा मतलब लाइव चाहिए कि कैसे फॉर्म फिल करते हैं, तो उसका भी वीडियो बना दूंगी। आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइए। लास्ट में गाइज फिर से कहना चाहूंगी कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ज़्यादा डिटेल आपको जाननी हो फॉर मोर डिटेल्स, तो हमारे वेबसाइट पर विजिट कीजिए। हमारे वेबसाइट का नाम वेबसाइट है PCIT.edu.in। गाइज इसको आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है और ये जितनी बातें मैंने बताई उसके प्रोसेस को अच्छे से कवर करना है, आप फिर उस लायक हो जाएंगे कि आप सेल्फ डिपेंड बन सके। थैंक यू सो मच गाइस।